पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि चिट फंड घोटाला मामलों में कोलकाता के पुलिस प्रमुख से पूछताछ की सीबीआई की कोशिश के खिलाफ उनका धरना अभी जारी रहेगा। इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव और द्रमुक सांसद कनिमोई बनर्जी के धरना स्थल पर पहुंची तथा उन्होंने उनके प्रति एकजुटता प्रकट की। बनर्जी रविवार रात से एस्प्लानेड क्षेत्र में मेट्रो चैनल में धरने पर बैठी है। इसी जगह वो 2006 में टाटा मोटर्स द्वारा अपनी छोटी कार परियोजना के वास्ते सिंगूर में किए गए कृषि भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ 26 दिन तक उपवास पर बैठी थी। यादव और कनिमोई ने बनर्जी से बातचीत की और उनसे रविवार शाम की घटनाओं के बारे में जानकारी ली। कोलकाता रवाना होने से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी ने सीबीआई जैसी जांच एजेंसी पर भाजपा विरोधी राजनीतिक हस्तियों को परेशान करने तथा उसके पाले में चले गए नेताओं को राजा हरिश्चंद्र की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया। ममता से मुलाकात के बाद कनिमोई ने कहा, मैं कहना चाहूंगी कि यह पूरा एपिसोड चुनाव से पहले मोदी जी का ममता बनर्जी को गिफ्ट है। अब पूरा देश उनकी ओर देख रहा है। 19 जनवरी की रैली के बाद भाजपा को लगा कि वह वापस सत्ता में नहीं आएगी। हमें अलग करने के लिए संस्थागत शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वे गलतफहमी में हैं अगर वे सोचते हैं कि ऐसा होगा। हम हमारे मतभेदों को सेलिब्रेट करना सीख गए हैं। भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल करना राजनीतिक साजिश है। नरेंद्र मोदी हमसे बड़े हैं और उन्हें समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इस महान देश की संस्थाएं यही रहेंगी। इसके अलावा लालू यादव और डीएमके चीफ स्टालिन ने ममता बनर्जी के समर्थन में ट्वीट किया है। ममता ने कहा, यह प्रदर्शन शुक्रवार तक चलेगा। चूंकि बोर्ड परीक्षाएं शीघ्र ही शुरू हो रही हैं, इसलिए हम लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे ताकि विद्यार्थी परेशान ना हो। उन्होंने अपने धरने को चीट फंड घोटालों में शहर के पुलिस आयुक्त से पूछताछ की सीबीआई की कोशिश और राज्य में कथित तख्तापलट की केंद्र की कोशिशें के खिलाफ सत्याग्रह बताया।